हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय टी सीज एक्सप्लेन इट्स वेरियस फॉर्म्स हम आज पढ़ेंगे ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस कॉरपोरेशंस के बारे में जिन्हें कहा जाता है टीएनसीज उनके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और साथ में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीएनसीज इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डज़ इट फेस इन इंडिया इंडिया में टी का क्या रोल है और इंडिया में ही क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं टी एन ये आज का हमारा टॉपिक है तो इसका आंसर देखिए अ ट्रांसनेशनल नेशनल कॉरपोरेशन में बी डिफाइंड एज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी विच हैज़ सब्सिडरीज एंड एफिलेट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ विद अ सेंट्रल कंट्रोल एंड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रांसनेशनल नेशनल कॉरपोरेशन वो है जो एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जिसके सब्सिडरीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लेकिन उसका जो सेंटर कंट्रोल है ना, वो होता है होस्ट कंट्री के अंदर यू एन डिफाइन करता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन को एज इनकॉरपोरेटेड और अन एंटरप्राइज जिसके अंदर एक होगी पेरेंट एंटरप्राइज और साथ में उसके फॉरेन एफिलेट्स फीचर्स देखिए टी के जॉइंट साइज़ टी जनरली बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती हैं एक ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन की जो एसेट्स हैं और सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं बहुत बड़े लेवल पर होती हैं इनका जो सेल टर्न होता है ना कई टी का वो कई जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी एक्सीड कर जाता है तो इसलिए हम कहते हैं कि टी एन आर ऑफ जॉइंट साइज अगला है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एक टी का हेड क्वार्टर होता है उसकी होम कंट्री के अंदर वहाँ से वो सारा कंट्रोल करती है अपनी ब्रांचेस को और अपनी सब्सिडरीज़ को जो उसने अलग अलग कंट्रीज़ में ओपन करी हुई हैं और इनका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है पॉलिसीज डिफाइन पॉलिसीज़ जो हैं वो डिसाइड करती है होम कंट्री और ये सारी जो इसकी ब्रांचेज हैं ना उसमें अप्लाई होती हैं नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ऑपरेशंस और जो एक टी है उसके पास अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन मार्केटिंग और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं वो एक थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज ब्रांचेस एंड एफिलियट्स इन द होस्ट कंट्रीज टी के पास फॉरेन कंट्रीज में भी एसिड्स होती हैं और उसको कंट्रोल कर रही होती है नेक्स्ट इज ओलिगोपोलिस्टिक पावर आप जानते हैं ओलीगोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि यानी कि बहुत थोड़ी फॉर्म्स होना एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर जो टी होती हैं जनरली ओलिगोपोलिस्टिक होती हैं नेचर में क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और एक मार्केट में इनकी डोमिनेट पोजीशन होती है तो ये क्या कर लेती हैं ये ना टेक ओवर कर लेती हैं बाकी आ, जो फॉर्म्स हैं उनको एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने टाटा टाटा ऑयल मिल्स पॉन्ड्स इंडिया ठीक है इनको जो है वो टेक ओवर किया हुआ है क्यों किया ताकि इनका जो आ, मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव हो सके और मार्केट शेयर इसने किस लाइन में इम्प्रूव किया है अपना पर्सनल वॉश वॉशिंग पाउडर वॉशिंग बास शैम्पू जो स्किन केयर क्रीम्स हो गई वो ठीक है तो इस तरह से अपना ये बिजनेस का साइज़ बढ़ाती जाती हैं नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो टी होती हैं ना इनके पास जनरली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है हाई लेवल पर टेक्नोलॉजी होती है इनकी क्यों होती है ताकि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को टी एम्प्लॉय करती हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ना कि सिर्फ मैनुफैक्चरिंग में बल्कि मार्केटिंग में भी टी अपना एक साइजेबल अमाउंट लगाती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च करती हैं फिर अपनी टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करती जाती हैं मीन्स इनोवेशन लेकर आती हैं ये नेक्स्ट पॉइंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब इतने सारे ऑपरेशन हैं अलग अलग कंट्रीज़ में चल रहे हैं तो इनको मैनेज करने के लिए भी तो इनको मैनेजमेंट चाहिए और वो मैनेजमेंट कैसी होगी इनकी प्रोफेशनल इनकी मैनेजमेंट के पास प्रोफेशनल स्किल्स होंगी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी उस फील्ड के अंदर वो स्पेशलाइज्ड होंगे वो लोग और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ये ट्रेंड मैनेजर्स को एम्प्लॉय uh, करती हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं ताकि वो इनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल कर सकें इनके पास ह्यूज फंड्स होते हैं तो इसलिए ये सब कर पाती हैं नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मार्केट्स इनके पास जो मार्केट है वो बहुत वाइड है इनके पास रिसोर्स बहुत वास्ट हैं सुपीरियर मार्केटिंग स्किल्स इनके पास हैं तो एक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के पास क्या है वास्ट एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट्स का इसीलिए ये अपने आप को कैपेबल बना लेती हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट चाहे ये प्रोड्यूस कर रही हैं प्रोडक्ट हो गया सर्विस हो गया ये उसको बेच सकती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अब आगे हम बात करेंगे इंडियन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में ये वो होती हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं लेकिन उनकी फॉरेन ब्रांचेज हैं एक या एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर इनकी सब्सिडरीज हैं इंडियन कंपनीज जो है ये ना कई बार कोलेबोरेट कर लेती हैं जनरली ये देखने में आता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं ये कोलेबोरेट करती हैं फॉरेन कंपनी के साथ मैनुफैक्चरिंग में भी एंड नॉन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी मैनुफैक्चरिंग में क्या आ गए टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल्स फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉन मैनुफैक्चरिंग में आ गए हमारे होटल्स कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग एक्सेट्रा तो ये इन दोनों सेक्टर्स के अंदर कोलेबोरेट uh, कर लेती हैं इंडियन टी अपने जो ऑपरेशन हैं ये इनके किस किस कंट्री में इन्होंने स्प्रेड किए हुए हैं लाइक यू एस यूके नेपाल नाइजीरिया एटसेट्रा ठीक है कुछ लीडिंग टी कंपनीज के मैं नाम बता रही हूँ आपको बिरला टाटा गोदरेज एट्सेट्रा इंडियन टी एन सी के अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज़ ये कोलेबोरेशन के साथ खुली हुई हैं फ़ॉरन कंपनीज के साथ इनका कोलेबोरेशन है इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर्स नेक्स्ट इज़ अगर हम फॉरन टीएंसीज़ की बात करें जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं जो इंडिया के अंदर हम कंपनीज देखते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होती हैं लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर हम इंडियन टीएंसीज़ की बात करें जो अब्रॉड में जाकर ऑपरेट कर रही हैं ये थोड़े कम साइज की होती हैं क्योंकि इनका सेल्स टर्न ओवर उतना ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी इंडियन टीएंसीज़ यूज़ कर रही हैं वो एज़ कम्पेयर टू फॉरन टीएंसीज उतनी एडवांस्ड भी नहीं है मोस्ट ऑफ द इंडियन टीएंसीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस कर रही हैं जैसे कि इंडोनेशिया श्रीलंका केनिया एट्सट्रा उसके बाद है स्लो ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स जो कि इंडियन टीएंसीज हैं उनके स्लो ग्रोथ के क्या क्या फैक्टर्स हैं सबसे पहले इनके पास रिसोर्सेज की कमी है नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी की कमी है पुअर मार्केट सर्वे है इनका ये अपना एडिक्वेट अमाउंट जो भी इनके फंड्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतने नहीं लगाते जितना कि फॉरेन कंपनीज लगा रही हैं लैक ऑफ साउंड प्लानिंग प्लानिंग सही से नहीं करते ये लोग और ना ही इनके ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिफिकेशन इनको है इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ टी एन सीज टी एन सीज के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं सबसे पहले ब्रांचेज ब्रांच क्या होती है किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइज की अलग अलग डिविजन्स जो अलग अलग कंट्री में उसने ओपन की हुई हैं जो ब्रांचेज हैं ना वो हमेशा अपने हेड ऑफिस की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगी उन पर जो कंट्रोल है वो हेड ऑफिस का रहेगा हर एक ब्रांच को लॉज एंड रेगुलेट रेगुलेशंस जो हैं वो उस कंट्री के फॉलो करने पड़ते हैं इन विच इट इज़ लोकेटेड सेकेंड टाइप इज़ सब्सिडरीज़ TNC ऑपरेट कर सकती है उसकी सब्सिडरी के थ्रू भी सब्सिडरी क्या है सब्सिडरी एक इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज़ है होस्ट कंट्री में जिसमें कि TNC का कितना ऑनरशिप होगा मोर देन हाफ ऑफ शेयर होल्डर्स वोटिंग पावर हाफ से ज़्यादा उसके बाद है एसोशिएट एसोशिएट वो एंटरप्राइज़ है वो इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है होस्ट कंट्री के अंदर जिसमें इन्वेस्टर का कितना शेयर होगा एटलीस्ट टेन परसेंट बट नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट यानी टेन से लेकर फिफ्टी के बीच में ऑफ शेयर होल्डर्स वोटिंग पावर फोर्थ टाइप इज ज्वाइंट वेंचर हमने जैसे कि पढ़ा इंडियन टी एनसीज के बारे में कि ज्वाइंट वेंचर से काम करती हैं टी एन सी क्या करती है मशीनरी कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर देती है इंडिजीनियस फॉर्म को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफिट शेयरिंग यानी उसने मटीरियल प्रोवाइड कर दिया और प्रॉफिट शेयरिंग इनका मेन बेसिस होता है। ये उन है, उन कंट्रीज में ज़्यादा किया जाता जहाँ पर किसका कंट्रोल होगा लोकल नेशनल्स का। फिफ्थ टाइप इज फ्रेंचाइज होल्डर्स ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है टीएनसी और एक एन फॉर्म के बीच में वो एफिलेट फॉर्म क्या कर रही है के साथ उसने एक किया, एक कर लिया। ठीक है एन करने के साथ वो प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी और मार्केट भी करेगी ये होता है फ्रेंचाइज होल्डर एंड द लास्ट टाइप इज टर्न की प्रोजेक्ट्स इस अरेंजमेंट के अंडर एक प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है फ्रॉम स्क्रैच टू ऑपरेशनल स्टेज जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो जो वो फर्म है वो होस्ट कंट्री को हैंड ओवर कर देगी तो ये था हमारा टर्न की प्रोजेक्ट्स तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने अपना टी एन का पूरा टॉपिक कवर किया है अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर वॉचिंग मोर सच कॉन्टेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग